वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ़ है और इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको C++ प्रोग्रामिंग सिखाने जा रहा हूँ। हर वीडियो लेक्चर इस सीरीज़ का एक टॉपिक भी बेस करेगा और हर टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइजेज, प्रॉब्लम या जो भी टास्क होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया करूँगा। आप लेक्चर देखें, उसे समझें और उसको करने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो एक्सरसाइजेज या टास्क डाउनलोड करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। आज से हम अपने इस सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के फर्स्ट लेक्चर में हम जस्ट एक C++ का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि एक C++ के प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे डिज़ाइन होता है, और इसके अलावा हम एक सिंपल आउटपुट का एक प्रोग्राम करेंगे। आप इसके लिए कोई भी IDE यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वक्त वीजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर बिगनर लेवल पर हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो डेव C++ यूज़ करें, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ये डेव C++ की IDE है और फ़िलहाल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है वीजुअल स्टूडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। जब भी हमने C++ के अंदर कोई भी बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करना होता है या कोई भी हमने C++ की फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है तो उनकी इंफॉर्मेशन बैकएंड में किसी एक फाइल के अंदर स्टोर होती है। अब उस फाइल को हमें इस प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना पड़ता है, तो उस फाइल को कहते हैं हम हेडर फाइल। ठीक है, तो उस फाइल को जब तक हम इंक्लूड नहीं करवाएंगे, कोई भी हम अपनी C++ के अंदर बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस फाइल को हम कैसे इंक्लूड करवाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हैश। इसको आम लैंग्वेज में तो हैश बोला जाता है, लेकिन C++ प्रोग्रामिंग में इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोला जाता है। इसके बाद हम लिखते हैं इंक्लूड, और इंक्लूड लिखने के बाद हमने ये दो सिंबल्स डालने हैं। ठीक है, और इन दो सिंबल्स के अंदर हमने अपनी फाइल का नाम लिखना है, जो कि नाम है आयो स्ट्रीम। ठीक है, अब ये हमारी इस वक्त हेडर फाइल है। अब इस हेडर फाइल के अलावा भी काफ़ी हेडर फाइल्स होती हैं, लेकिन फ़िलहाल जो आम C++ के प्रोग्राम यूज़ किए जाते हैं उनमें हमेशा ये आयो स्ट्रीम ही यूज़ होती है। अब इस पूरी इंस्ट्रक्शन का अगर हम मतलब देख लें तो इस पूरी इंस्ट्रक्शन का मतलब होगा इंक्लूड अ फाइल नेम आयो स्ट्रीम टू द प्रोग्राम। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवाएंगे। इसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस STD। ठीक है, अब इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? एक्चुअली इसके मतलब तो काफ़ी डिटेल में भी जाया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको सिंपल बता दूं कि इस पूरी इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आपने जो भी काम करना है C++ के अंदर, आपने अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ C++ रहना है। ठीक है, जिस तरह C++ के स्टैंडर्ड डिफाइंड है आपने उसी तरह ही काम करना है। तो इस पूरी इंस्ट्रक्शन का सिर्फ यही मतलब है। इसके बाद हम लिखते हैं इंट मेन। ठीक है, और दो पैरेंथेसिस डालते हैं। इसके बाद हम दो कर्ली ब्रेसेस डालेंगे। ठीक है, हमारी प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होती है वो हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम मेन। हमारी जो भी C++ के हमारे जो प्रोग्राम होंगे उनकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होती है वो हमारे मेन से स्टार्ट होती है। उसके बाद हमारे आ जाती है मेन की बॉडी। ये दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारी मेन बॉडी ऑफ मेन होगी। ठीक है, जिसको हम मेन बॉडी भी कहते हैं। इसके अलावा हम एक स्टेटमेंट एंड पे लिखते हैं जो कि है रिटर्न 0। ठीक है, अब इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? जब भी हमने अपना प्रोग्राम लिखना है, अब उस प्रोग्राम की रिक्वायर्ड आउटपुट के बाद हमने इस मेन से बाहर भी आना है। मेन के हमने इस मेन के अंदर जब हम काम कर रहे हैं तो जब हमने अपना काम कर लेना है तो इस मेन से हमने बाहर भी आना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम सिस्टम को एक वैल्यू पास करते हैं 0। जब उसको वैल्यू 0 पास होती है तो उसको ये पता चल जाता है कि मेरा काम इस वक्त ख़त्म हो गया,
तो मैं इस वक्त मेन से बाहर आ जाऊंगा, तो इसलिए हम रिटर्न ज़ीरो करवाते हैं जो कि iOS को अक्सर करवाया जाता है। ये था हमारा एक C++ प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाया। हेडर फाइल्स क्या है कि उनमें हमारे C++ के जो भी फंक्शनैलिटीज़ हम बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ यूज़ कर रहे होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन बैकएंड पे एक फाइल के अंदर स्टोर होती है, उनको हेडर फाइल कहते हैं। आईओ स्ट्रीम मीन इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। इसके बाद हमने एक स्टेटमेंट लिखनी है यूजिंग नेम स्पेस STD, और इसके बाद हमने मेन लिखना है और दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर बॉडी ऑफ मेन डिफाइन करनी है, और एंड पे रिटर्न ज़ीरो लिखना है। ये अच्छी प्रैक्टिस है कि हम रिटर्न ज़ीरो लिखा करें, नाम भी लिखें तो फिर भी काम चल जाता है, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हम इसको अपने प्रोग्राम मेन के एंड पे लिख लिया करें। चलिए हम इस सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर को जो अभी तक MTS को रन करते हैं और देखते हैं कि फ़िलहाल हमारी आउटपुट क्या आ रही है। आपके सामने फ़िलहाल एक एम्प्टी स्क्रीन शो हो रही होगी, ये इस स्क्रीन को हम कहते हैं कंसोल स्क्रीन, ठीक है। हमारे जो भी C++ के प्रोग्राम होंगे वो कंसोल बेस होंगे, इस ब्लैक स्क्रीन को कहते हैं कंसोल स्क्रीन, क्योंकि अभी तक हमारा हमने कोई भी अपने मेन के अंदर कुछ भी इनपुट आउटपुट या कोई भी प्रोग्राम नहीं लिखा, तो फ़िलहाल ये एम्प्टी शो हो रही है और ये कंसोल का बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज होता है, ठीक है। अब हम एक सिंपल आउटपुट का एक प्रोग्राम कर लेते हैं, C++ के अंदर जब भी हमने कुछ भी आउटपुट या इनपुट करवाना होता है तो हमें C++ कुछ बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करती है। वो फंक्शंस उनका तल्लक इस कंसोल स्क्रीन के साथ भी है, क्योंकि हमारे सारे जो टास्क हैं सारे प्रोग्राम वो कंसोल बेस्ड हैं, तो सारे फंक्शंस हमारे कंसोल के साथ ही लिंक होंगे, ठीक है। इसी तरह C++ में जो इनपुट और आउटपुट के फंक्शन है वो भी कंसोल के साथ ही लिंक है। चलिए हम अब आउटपुट के प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। जब भी हमने C++ के अंदर कुछ भी आउटपुट करवाना होता है तो उसके लिए हमें C++ एक बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करती है जिसका नाम है सी आउट, ठीक है। इस सी आउट का मतलब क्या है इसको मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली सी स्टैंड फॉर कंसोल एंड आउट स्टैंड फॉर आउटपुट, ठीक है, मीन के कंसोल आउटपुट, ठीक है। आपने इस फंक्शन को यूज़ करके आउटपुट करवाना है ऑन द कंसोल स्क्रीन, ठीक है। तो इस फंक्शन को यूज़ करके हम अपने तमाम जो आउटपुट करवाएंगे C++ के प्रोग्राम के अंदर। इस फंक्शन के अलावा भी हमें कुछ ऐसे फंक्शन प्रोवाइड करती है C++ जिनके साथ हम आउटपुट करवा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम बिगनर लेवल पे हैं तो उन फंक्शन को भी फ़िलहाल नहीं देखते, अभी हमारा फोकस होगा जस्ट सी आउट के ऊपर। इसी तरह इनपुट के लिए भी हमें C++ कुछ फंक्शन प्रोवाइड करती है जिसमें है सी इन, ठीक है। इस सी इन का मतलब है कि सी स्टैंड फॉर कंसोल एंड इन स्टैंड फॉर इनपुट, ठीक है, मीन कि कंसोल पे हमने इनपुट करवानी है यूजिंग दिस फंक्शन, ठीक है। तो आज जस्ट हम जैसे कि हमने आउटपुट का ही प्रोग्राम यूज करना है तो हम सी आउट को यूज़ करेंगे। चलें करते हैं हम एक सिंपल आउटपुट का प्रोग्राम। हमने आउटपुट करवाना है, डिस्प्ले करवाना है हेलो वर्ल्ड वी आर प्रोग्रामर, ठीक है, ऑन द कंसोल, ठीक है। ये मैसेज है ये हमने कंसोल स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। जैसे हमने देख लिया कि हमें फंक्शन हमारा जिसके साथ हमने आउटपुट करवाना है वो सी आउट है, तो हम इसके साथ ही इस पूरी स्ट्रिंग को आउटपुट करवाएंगे। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सी आउट फंक्शन का नाम, ठीक है। उसके बाद हमने ये दो सिंबल्स डालने हैं, इनको कहते हैं आउटपुट ऑपरेटर, इनको इंसर्शन ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आप आउटपुट ऑपरेटर समझे। इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन के बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ वीडियोस में आप बताऊंगा।
अब इसके बाद हमने अपनी जो आउटपुट जो भी मैसेज हमने डिस्प्ले करवाना है उसको हमने डबल कोट्स के अंदर डिस्प्ले डबल कोट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। ये डबल कोट्स हमने डाल लिए। अब इन डबल कोट्स के अंदर हमने जो मैसेज भी कंसोल पे डिस्प्ले करवाना है वो हम इसके अंदर लिख देंगे, हेलो वर्ल्ड वो यार प्रोग्रामर, ठीक है ठीक है। अब ये मैसेज हमने लिख लिया बिटवीन द डबल कोट्स, ठीक है। अब ये अभी तक हमारा जो आउटपुट की हमने इंस्ट्रक्शन लिखनी है वो कंप्लीट नहीं हुई। तो जब भी हमने सी प्लस प्लस के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन इनपुट या आउटपुट की लिखनी हो तो उसको एंड करने के लिए भी एक सिंबल डाली जाती है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटर ऑपरेटर, सेमी कॉलन, ठीक है। अब इस इंस्ट्रक्शन को हर स्टेटमेंट के एंड पे लिखना ज़रूरी है, अगर ना लिखेंगे तो कंपाइलर एरर देगा। चलिए हम इसको अब रन करके देखते हैं क्या ये हमारा मैसेज कंसोल पे डिस्प्ले हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जैसे हमने लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड वी आर प्रोग्रामर, तो वो हमारा कंसोल पे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल आउटपुट का एक प्रोग्राम। जस्ट इसमें कुछ ऐड कर लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम हमारे जैसे इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले हो रही है लेकिन कंसोल का जो बाय डिफॉल्ट मैसेज है वो भी उसके आगे शो हो रहा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इस लाइन को बाय डिफॉल्ट उसी लाइन पे रहे लेकिन इसका जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट मैसेज शो हो रहा है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए लाइन ब्रेक के भी सी प्लस प्लस हमें कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करती है जिनके थ्रू हम लाइन ब्रेक करवा सकते हैं। जो सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शंस है लाइन ब्रेक का वो है एंड एल, ठीक है, मीन एंड लाइन, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम यूज़ करके लाइन ब्रेक करवा सकते हैं। अब देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम आउटपुट ऑपरेटर डालेंगे, जैसे हमने सी आउट के साथ हमने इस मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए भी ये आउटपुट ऑपरेटर यूज़ किए, इसी तरह हम जब ये हमारी स्ट्रिंग एंड होगी तो इसके आगे हम लिखेंगे ये दो आउटपुट ऑपरेटर, ठीक है। और इनके बाद हमने क्योंकि इसके आगे जो मैसेज शो हो रहा है वो कंसोल का शो हो रहा है तो उसको हमने लाइन ब्रेक करवाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एंड लाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ तक जो भी हमारी स्टेटमेंट है मैसेज उसको डिस्प्ले करेगा, जब यहाँ पे पहुँचेगा तो वो उसे लाइन ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो जो भी नेक्स्ट मैसेज होगा वो नेक्स्ट लाइन में शो होगा, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। आपके सामने मैसेज नेक्स्ट लाइन में शो हो रहा है जो कि कंसोल का बाय डिफॉल्ट मैसेज था, और हेलो वर्ल्ड वी आर प्रोग्रामर ये हमारा फर्स्ट लाइन पे ही शो हो रहा है। इसके अलावा भी एक और मेथड है जिसके थ्रू हम इसको लाइन ब्रेक करवा सकते हैं। जब सी स्टार्ट हुई थी तो सी में ये यूज़ किया जाता था जो कि है बैक स्लैश एन, ठीक है। ये फंक्शन जो यूज़ किया जाता था जब सी सी यूज़ की जाती थी तो उसमें लाइन ब्रेक के लिए इसे यूज़ किया जाता था। तो जैसे कि सी से ही सी प्लस प्लस इनहेरिट हुई है तो हम उसके फंक्शन को भी सी प्लस प्लस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने का तरीका देख लेते हैं। तो हमें जब हमने लाइन ब्रेक करवानी तो फिर हमें इन दोनों इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम क्या करेंगे जस्ट इसी चीज़ को हम अपनी स्ट्रिंग के अंदर लिख लेंगे। हम लिखेंगे एन और जस्ट सेमी कॉलन, ठीक है। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं, ठीक है। आपके सामने हेलो वर्ल्ड वी आर प्रोग्रामर फर्स्ट लाइन पे शो हो रहा है और जो कंसोल का मैसेज था वो नेक्स्ट लाइन पे शो हो रहा है। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि इसने इस सारी जो स्टेटमेंट थी इसको तो डिस्प्ले करवा दिया लेकिन इसको डिस्प्ले क्यों नहीं करवाया। ये इसकी भी एक रीज़न है कि ये एक फॉर्मेटेड उसका कीवर्ड है, जैसे कि बैक स्लैश एन है तो
हेडर फाइल्स या किसी भी एक बैकएंड पे एक फाइल्स उन्होंने बनाई होगी जिसके अंदर इस दोनों करेक्टर्स को उन्होंने इनकोड किया होगा, ठीक है, मीन के इसका कुछ स्पेसिफिक मीन रखा होगा। तो यहाँ पे इसका मीनिंग जब यहाँ तक पहुँचेगा कंपाइलर तो उसको इस मैसेज को डिस्प्ले करवा देगा, लेकिन जब यहाँ तक पहुँचेगा तो उसे पता चलेगा कि ये बैक स्लैश एन बैकएंड पे एक लाइन ब्रेक के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसे लाइन ब्रेक के लिए यूज़ करेगा और नेक्स्ट मैसेज को अगली लाइन में शो करवा देगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, तो इंशाल्लाह हम अब इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और इंशाल्लाह आप इस सीरीज़ में काफ़ी कुछ लर्न करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं बिगनर लेवल से आपको हर पॉइंट्स को समझा सकूं, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, खुदा हाफिज़।